हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने 125 क्वेश्चन के बारे में डिटेल से चर्चा की थी। अब आगे कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जीके के बारे में पढ़ेंगे। सन 1920 ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो जापान में, ठीक है। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का किस खेल से संबंध है? बैडमिंटन। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? मालेश्वरी कर्णम महेश मालेश्वरी, ठीक है। बैक टू द वेदाज, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने, ठीक। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा कृष्णा किसने की थी? श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है? कैल्शियम की। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमृत सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खान किस वाद्य यंत्र में के वादन में विख्यात रहे? शहनाई, ठीक है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमादि। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुन जुनको तबाई। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत फीवर। द्रव्य सभी अवस्थाओं में समान दाब प्रसार करते हैं, कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल का नियम, ठीक है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन, ठीक। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त ने। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर, ठीक है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। सिख इतिहास के लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। Thanks, friends.